कृपा तो है ठाकुर जी की, कृपा न होती तो हम यहां ना आते, यहां आए गए या को मतलब कृपा गोविंद की है। तो अब हमारी ड्यूटी कहां है, का ड्यूटी है, सबसे बड़ी ड्यूटी है या कृपा को बनाए रखनो, ये कृपा बनी रहे। और ये कृपा बनी रहेगी कहते यही सत्कर्म करो, न करने वाले काम तुम जब जब करोगे ये कृपा कम होगी, और करने वाले कार्य जब जब करोगे ये कृपा बढ़ती ही जाएगी। अब न करने वाले कर्म मुझे गिनाने नहीं है, बार बार सभी यही सुनाते हैं, यही हो रहा। तो न करने वाले कार्य कभी मत करो, करने वाले कार्य हमेशा करो। और भगवान की कथा, भगवान का नाम, परोपकार, ये हमारे जीवन की मूल पूंजी हो जाए। तो लाला को जन्म भयो, ब्रजवासी बड़े खुश हुए, बाबा के यहाँ बधाई देवे जा रहे। ओ महाराज गोपी और लाइन लगाया के भीड़ है गई, बाबा के यहाँ बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, सब बधाई बधाई चाहिए। बाबा के यहाँ जब इतनी भीड़ गई तो एक गांव में बड़ी बूढ़ी अम्मा ही अम्मा, वागे मुंह में दांत ना हो, ये कहू दांत ना हो, चलो ना जानतो, उठो ना जानतो, खाट पर सो रही, कम से कम 135 साल की, पिछली कहू कथा ने में 125 साल कही हमने, तो अब 135, अब कथा कहते कहते ही हैगी 10 साल, तो हमें कहू साल हैगी, तो बाकी उम्र ना बड़ी होगी का, अब बाकी हिसाब तो नहीं का, तो बढ़ाई देनी चाहिए। और कौन सी मैंने तोल राखी बाकी कितनी उम्र है, जितनी हो 125 की हो, 145 की हो, जितने की हो हमें कोई मतलब ना है, पर इतनी बड़ी बूढ़ी वो अम्मा पप्पे स्वयं तो चलो ना जा रो चार पाई पे, गांव की सब गोपी बातें कहती, बड़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा। अब बूढ़ी अम्मा ने सुनी, बड़ी रुनक झुनक है रही है, कभी तो कुछ झुनक झुनक चल रही है, कभी तो खन खन है रही है, भाग रही है, आ रही है, बड़ी आवाज दगरे में आ रही है, दगरे में थे मतलब रास्ते, रास्ता नहीं कहा करो, मार्ग कहा करो, हिंदी शब्द है मार्ग, रास्ता उर्दू शब्द है, रास्ता नहीं बोलना चाहिए, मार्ग बोलना चाहिए। और हमारे ब्रज में तो बातें कहें गैल, मत रोके गैल कन्हैया मोते अटक लड़ाई ले, बड़ा अच्छा भजन है, बनेगा ही, अब है नहीं ये बनेगा, मत रोके मेरी गैल कन्हैया मत अटक लड़ाई ले, अटक लड़ाई समझते हो, कहते कहें आजकल को हरेक युवा अटक लड़ाई ले रहो सड़क पे, हरेक युवा अटक लड़ाई, और ऐसी अटक लड़ाई ले रहो, गोलगप्पे वाले थे भी लड़े, अच्छा इसमें तुमने हर्र नहीं डाली, सौंठ नहीं डाली, गोलगप्पे वाले थे लड़ जाके, तो ऐसी अटक लड़ाई, अकारण लड़ने को अटक लड़ाई कहते हैं हमारे ब्रज में। तो वो देख रही बड़ी आवाज आ रही है, बूढ़ी अम्मा ने कही आवाज लगाई, अरे कौन सी है, अरे कौन सी है, तो अरे अम्मा बुला रही, अम्मा बुला रही, अम्मा बुला रही है। तो सब गोपी गई और अम्मा ते पूछी, अम्मा कैसी है, अरे मैं तो ठीक हूं जी, बड़े गांव में आज बड़ो उदम सो है रहे हो, बड़ो आनो जानो सो है रहे हो, कहां भाग रहे, काहे गोए, अरे अम्मा तुम्हें ना पता हो कहा है ऐसो, अरे अम्मा आज तो गजब है गयो, ये बंद करवा दो, बंद करो, अम्मा बड़ो गजब है गयो, बड़े कहा है गयो, बोले अम्मा 85-85 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर में लाला भयो है। तो अम्मा बोली, अरे जी बड़ो बढ़िया है, जसोदा आंटी बड़ी दुखी सी रहती, और वो तो नंद है ना, तो एक तो चाहिए हो, बहुत अच्छा करो। दूसरी बोली, अम्मा साधारण बालक ना है, बड़ो चमत्कारी है, चमत्कारी है, ऐसो का चमत्कारी, अरे बड़ो चमत्कारी, इतनो चमत्कारी है, इतनो चमत्कारी है, एक बेर वह देखो तो देखते ही रहो, ऐसो ही मन करे, मन नेत्र हटे ही ना है बाप है ते। हे अम्मा मैं सांची कह रही हूं, मो तो ऐसा लगे जाने
नंद बाबा के लाला के दर्शन ना करे वाको तो जीवन ही बेकार है, वाको तो जीवन ही बेकार है। अब तो यूं कह के सखी चली गई, जीवन बेकार है। वैसे एक सांची बात बताऊं, मानव जीवन पाए के जाने ठाकुर जी को पाएवे को प्रयास नहीं करे वाको जीवन वाकई बेकार है।